गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस फाइनली जिस जगह के लिए ट्रिप प्लान किया था आज वहीं जा रहे हैं। वो जगह है गुलमर्ग। और एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये मिली है कि वहाँ पे स्नोफॉल रात को हुई है। अब कितनी सच है कितनी नहीं ये पता नहीं है। बाकी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह इस होटल में इंक्लूड नहीं था और मैंने कल भी आपको बताया था बफे नहीं लगता, इसलिए हमने इंक्लूड नहीं करवाया। और होटल काफ़ी अच्छा है, सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े इनके पास पार्किंग है, नीचे फूड कोर्ट बने हुए हैं, वहाँ पे आपको पिज़्ज़ा हट वगैरह और काफ़ी कुछ है। तो होटल के बारे में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया। इन्होंने हमें शिकारा राइड भी जो है करवा की थी बुक, वो भी बढ़िया रही। तो बाकी अब यहाँ से ले रहे हैं चेकआउट, आ जाएंगे सीधा गुलमर्ग, 1.5 घंटे में गुलमर्ग पहुँच जाएंगे। और 11:30 बजे हमारी फेज़ 1 की गंडोला की राइड स्टार्ट होगी, उसके बाद फेज़ 2। बाकी रात की यहाँ पे काफ़ी ठंड है, बाहर जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उन पे जो है बर्फ़ आ गई है, वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, इस गाड़ी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, इधर जनरेटर के ऊपर भी ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनके ऊपर भी लाल वाली ऑल्टो पे देख सकते हो आप। और सामने इनकी जो टेरिस है बोट हाउस की, उन पे भी आप देख सकते हो काफ़ी बर्फ़ है। तो अब निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आपको गुलमर्ग के रास्ते में। और वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। फाइनली गुलमर्ग पहुंचने वाले हैं, और जो गुलमर्ग की स्नो है उसके सीन अब हमें दिखने लग गए हैं। सामने बिल्कुल एकदम वाइट पहाड़ दिख रहे हैं, काफ़ी पहले की स्नोफॉल, अब तो कोई स्नोफॉल हुई नहीं है। और ये दोनों लोग, हाँ भाई मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हाँ वरुण, हम तो वाइट टूलिप इंजॉय कर रहे हैं। वाइट टूलिप वाइट टूलिप कम इंजॉय करो वरना रेड टूलिप होके जाओगे। ठीक है, ये सिस्टम है यहाँ का? कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम अपना है। आपका सिस्टम नहीं है। ये देख लो जो पहाड़ मैं आपको दिखा रहा था, वो आप शायद वीडियो में देख पा रहे होंगे, एकदम वाइट पहाड़ बर्फ से ढके हुए, सीधा वहीं जा रहे हैं अब। फाइनली गुलमर्ग पहुंच गए हैं, और गुलमर्ग में हमें तो ठीक ठाक स्नो देखने को मिली है। वैसे इस बार स्नोफॉल काफ़ी कम हुआ है, लेकिन ठीक ठाक स्नो है। मोस्टली जो रील्स वगैरह आपने देख रहे हैं वो आ रही है जहाँ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं है, वैसे ही पार्ट आपको उन रील्स में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छी खासी स्नोफॉल आपको गुलमर्ग में जब आप गंडोला के लिए जाओगे तो उस रास्ते पर भी आपको देखने को मिलेगी, जिसके सीन आप देख ही रहे हो। तो अभी एक बार चलते हैं गंडोला राइड के लिए, उसके बाद आपको मिलते हैं। गंडोला पहुंच गए हैं, यहाँ भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम है यहाँ बिल्कुल। स्नो ठीक ठाक है भाई, जैसा वीडियो में देख रहे थे वैसी दिक्कत नहीं है। हाँ वीडियो में तो वो चीज़ दिखा रहे हैं जहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरा फेज तो दिखाई नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक बार यहाँ पे अपनी टिकट वगैरह दिखा के एंट्री ले लें, फिर मिलते हैं। सीटिंग फुल होती तो दिक्कत आती टिकट की। हाँ बिल्कुल, अब रश भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, अब तो अच्छा एंजॉयमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल मजे आ रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है नीचे कुछ है ही नहीं, गिरे लग रहा है, मजे आ रहे हैं पूरे। और एक बात सबसे अच्छी, अपने तीन ही लोग हैं इसमें, तीन और कोई फुल एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल अपना मस्ती से एंजॉय करो, कोई इशू नहीं है। ये गंडोला फेज 1 की, ओ भाई ये गंडोला फेज 1 की स्नो है, आप देख सकते हो इधर फेज 1 में बहुत स्नो है। हाँ बिल्कुल, लोग जो बता रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बहुत रूमर्स फैला रखे हैं यार ये तो। हाँ कहते हैं कि फेज 1 में तो कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छी खासी स्नो है, फेज 2 में तो और ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी बिल्कुल। गाइस गंडोला फेज 1 हम पहुंच चुके हैं, और फेज 2 गंडोला राइड है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे सीन है, जब हमने यहाँ पे लोकल से बात करी तो वो कह रहे हैं कि जब अच्छा स्नोफॉल होता है तो यहाँ पे एकदम स्नो से भरा हुआ होता है। सो गाइस फेज 2 की जो गंडोला राइड है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है केबल कार से,
तो फेज वन भी अच्छा लगा, उसमें भी ठीक ठाक स्नो है, लेकिन फेज टू तो पूरा भरा ही हुआ है, वो तो अब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। मामी चिंटू यस मजे आ रहे हो बहुत ज्यादा? ये डरा रहा है यार थोड़ा ना। हाँ, थोड़ा सा डरा रहा है। ये वरुण को भी डर लग रहा है, झटके दे रहा है। झटके दे रहा है बिल्कुल, बहुत ऊपर तक है यार। बिल्कुल बहुत ऊपर जाएंगे, ये काफी लंबी है मेरे को। हाँ, बहुत ऊपर, यहाँ से देख सकते हो काफी ऊपर जाएंगे, पूरा माउंट एवरेस्ट बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, तो सीधा आपको टॉप पे पहुंच के मिलते हैं। गाइज आपके सामने जो व्यू दिख रहे हैं, लोग इस व्यू के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं गुलमर्ग ट्रिप पे, और बहुत ही अद्भुत नज़ारा अपने को देखने को मिल रहा है। सो गाइज हमने जो है यहाँ पे पीक पे जाने के लिए एक गाइड किया है, तो पीक पे एक फ्रोजन लेक है, ये रहा वरुण, एलओसी भी हमें दिखेगी वहाँ से। हाँ एलओसी बहुत अच्छा लग रहा है इधर। हाँ, और हमारे उस साइड जो है आर्मी का बेस कैंप है, इग्लू भी है, और बेस वो हमें LOC भी देखने को मिलेगी ऊपर जाने के बाद। बिल्कुल हम पीक पे जाएंगे। धूप बड़ी तेज है, अभी ठंड फील नहीं हो रही है, धूप बड़ी शानदार है यहाँ पे, और कल ही स्नोफॉल हुआ है, इसलिए सारी जो मेरे पीछे आप स्नो देख रहे हो वो एकदम फ्रेश और वाइट है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एकदम चमक रही है। ये देखो पर ये जो गाइड बता रहे थे कि अगर ये देखो पहले की हुई थी, रुक जा, बिल्कुल क्रिस्टल। ये गाइड बता रहे थे कि अगर पहले की स्नोफॉल होती है ना, जो वो क्या है थोड़ी येलो हो जाती है, जो लोग उस पे चलते हैं उसकी वजह से पीली होने लग जाती है, हार्ड भी हो जाती है। तो अभी फ्रेश स्नो आपको दिखाते हैं, रुको, ये बिल्कुल एकदम फ्रेश है, बिल्कुल देखो आप चमक रही है। तो अभी जाते हैं सीधा ऊपर, ऊपर जाके मिलते हैं फ्रोजन लेक, ये अफरवट का पहाड़ी है। ओके, ये गंडोला के पास 14,500 फीट की हाइट पे, ठीक है, हम जा रहे हैं फ्रोजन लेक जिसको बोलते हैं। ओके, गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हो कि लेक किस जगह पे है, वो कम से कम 17,500 फीट की हाइट पे है, वहीं हम जा रहे हैं भाई टीम को लेके, मतलब अब 3,000-4,000 फीट ऊंचाई और चढ़ेंगे अपने, बिल्कुल बराबर 3,500 फीट की हाइट पे हम और जा रहे हैं आगे, बिल्कुल, जिसका नाम फ्रोजन लेक है, वहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ओके, आर यू रेडी बॉय? रेडी। एंड यू? यस। गाइस चढ़ने में काफी डिफिकल्टी हो रही है, मतलब मुश्किल से 100-150 मीटर चढ़ पा रहे हैं, उसके बाद फिर रुकना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है, काफी दिक्कत आ रही है, और ठंड है, इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही लेकिन सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। ये देखो ये हालत हो गई है, एक उसको देखो कैसे कर रहा है वो। हाँ वरुण क्या हुआ? सांस नहीं आ रहा तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है, तो एंजॉय कर रहा है तो ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा वैसे दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ एंजॉयमेंट फुल है। अभी कितना टाइम और लगेगा भैया जी? कितना टाइम और लगेगा? अभी हमें घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है ऊपर चढ़ने के लिए। ओके, तो हम जा रहे हैं सीधा, मतलब काफी स्नो में क्या है कि पैर धस जाते हैं आपकी, ये नई स्नो है, ये क्या है कि नई स्नो है, इसमें क्या आपके पैर धस जाते हैं, तो इसमें आपको जहाँ जहाँ जो गाइड है वो पैर रख रहे हैं उन पैरों के ऊपर ही आपको चलना है, या पहले से कोई पैरों के निशान बने हुए तो उनके ऊपर चलो आप, फिर आपके पैर नहीं धंसेंगे। कौन सा टॉप है वो? सनशाइन पीक। हाँ। है वो अपने इंडिया का ही पार्ट है, वो इंडिया का सब पूरा ही है, इसमें 3-4 पोस्टें लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं देती है, लास्ट पोस्ट दिखाई देता है उधर। गाइस हम हैं 17,500 फीट पे, ये आप देख सकते हो, ये देखो जबरदस्त ठंड है भाई, अब फोटोशूट के लिए जैकेट चेंज किए, मस्त मजा आ रहा है। यहाँ लिमिटेड से लोग हैं हमारे जैसे, क्रीम से या सिर्फ? हाँ क्रीम नहीं, अपने वो क्रीम तो वो फ्रेश है, ये स्नो हम यूज भी कर सकते हैं। गाइस वो आपको सामने लाइंस दिख रही होगी, वो रास्ते हैं, वहाँ आर्मी आती है, ये देख लो। नाउ आई एम रेडी। इधर एक बार फेस करना, बढ़िया आ रहा है ना? बहुत अच्छा, वो अच्छा नहीं आ रहा, वो उसका वो है ही नहीं अच्छा, उसका शक्ल ये आप करेंगे फोटो, ये शक्ल से लग रहा है राजस्थान का है। ब्रो आपका ब्रो चिल ब्रो, अरे वाली मेरे दोनों पार्टनर हैं उनकी बस हो गई है, वो यहाँ से वापस चले गए हैं,
और मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर, मैं फ्रोजन लेक देख के ही आऊँगा, तो उस टॉप पे है। गाइज रेस्ट ले लेके ऊपर जा रहे हैं। तो अभी मैंने एक सीन दिखाया था आपको भाई, बहुत मस्त सीन है, आर्मी वालों की रोड है वो दिखाई दे रही है, बड़ी मतलब शानदार रोड, बिल्कुल सारी रोड के ऊपर बर्फ़ है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उन दोनों ने ये जो सीनरी है मिस कर दी है, उनको ये देखनी चाहिए थी, काफ़ी मज़े आते उन्हें। अभी थोड़ा और भी ऊपर जाएंगे, लास्ट हम जो है 17,000 फीट की ऊँचाई पर जाने वाले हैं, 17.5, हाँ साढ़े, हमारे गाइड बता रहे हैं कि 17,500 फीट की ऊंचाई पे हम जाने वाले हैं। वहाँ पे फ्रोजन लेक भी दिखेगी और व्यू और भी अच्छा दिखेगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं मौसम थोड़ा साफ होता जा रहा है और हवा भी चल रही है, लेकिन धूप बहुत तेज है, ग्लासेस के बिना तो आप देख ही नहीं सकते, एकदम से आपकी आँखें बंद होने लग जाएगी, इतना वाइट दिखाई देगा, तो बड़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है। आप अपनी जो सनग्लासेस हैं वो ज़रूर लेके आएंगे। फीट की ऊंचाई पे, जो कि फ्रोजन लेक टॉप जिसे बोलते हैं, मतलब कि पीछे आप मेरे देखोगे कि ये जो पीछे सारा है ये फ्रोजन लेक है, अभी बिल्कुल एकदम जमा हुआ है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, 2 का पानी इंडिया में जाता है और 1 का पानी पाकिस्तान में जाता है। तो भाई यहाँ का तो नज़ारा ही बहुत अच्छा है, चारों तरफ बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। आज हल्की सी जो है बादल है आज हल्के से, तो आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, वरना यहाँ पे अगर बादल कम हो तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। एक सीन दिखाऊँ आपको, ये देखो कितना अच्छा है, तो ऐसा चलता रहता है। और यहाँ पे इस साइड जो है LOC आ जाती है, तो यहाँ पे आर्मी की पोस्ट वगैरह भी है, वो यहाँ से अभी तो आज तो नहीं दिख रही है, बाकी चारों तरफ बहुत अच्छा सीन है। मतलब यहाँ पे आपको आना चाहिए, आपको 1.5 घंटा लगेगा, तो आप यहाँ पे आके इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो। पहले वो 2 लोग आए हुए थे, वो अब नीचे जा रहे हैं सीधे। अब ये देखो, ये तूफान इस टाइप के आते हैं, ज़्यादा होती है उनमें बर्फ़, यही बात है ना भैया? जी, इस टाइप से ही आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अब ये आप यहाँ से देख पाओगे, ये चीज़ है, तो ये एकदम तेज़ हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाते। बाकी भाई बहुत अच्छा व्यू है, बहुत मज़े आने वाले हैं आपको। ये सारी जो है वो लेक है, फ्रोजन लेक जिसे बोलते हैं ये। यहाँ पे पीक पे क्या है, जो टॉप था उस पर हवा इतनी तेज़ नहीं चल रही, यहाँ पे तो बहुत तेज़ हवा चल रही है। मतलब आपको एक चीज़ और है, सनग्लासेस के साथ साथ आपके पास कैप भी होनी चाहिए। मैं नहीं लेके आया, अब मुझे उस चीज़ की जो कमी है वो महसूस हो रही है। काफ़ी तेज़ और एकदम ठंडी हवा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपके कान को फाड़ के निकलेगी, बहुत ही तेज़ और ठंडी हवा है भाई, तो कैप आप ज़रूर लेके आए। बाकी काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी मौसम, मुझे लग रहा है कि अगर स्नोफॉल हो रहा होता तो इतना शानदार व्यू देखने को नहीं मिलता। हालांकि हाँ, स्नोफॉल का एक अलग मज़ा होता है, लेकिन अब जो एकदम इतनी अच्छी धूप में जो मज़ा आ रहा है वो स्नोफॉल में नहीं आना था। तो अब जा रहे हैं सीधा नीचे, अब आपको सारी ब्यूटीज़ यहाँ की दिखा दी है। जा रहे हैं, मतलब सामने अपना इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, तो
तो सब लोग फोटोशूट के लिए ही आई थिंक जा रहे होंगे, बट वो तो वहाँ पे जाके पता चलेगा। लेकिन आर्मी वाले भी काफ़ी लोग जा रहे हैं और सामने आर्मी का कैंप भी है। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है यहाँ पे व्यू और भी सीनिक नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा है भाई गुलमर्ग का। फाइनली गाइज, एक अच्छी ट्रैकिंग के बाद मैं होटल पहुंच चुका हूं, लेकिन होटल पहुंचने में भी मुझे काफ़ी डिफिकल्टी हुई क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल ऑफ हो चुका था और मुझे होटल की लोकेशन पता नहीं थी। मैं अपने गेस्ट से आया हूं, लेकिन मुझे आगे आगे एक हेवन रिट्रीट का बोर्ड दिखा, तो लकीली मैं बिल्कुल सही जगह आया हूं और प्रॉपर्टी बाहर से काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो आइए एक बार चेक इन करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो फाइनली होटल आ चुके हैं भाई। आ तो काफ़ी टाइम पहले गया था, बट उसके आने के बाद थोड़े टायर्ड थे तो हम सो गए थे सब लोग। ये तो दोनों मेरे से पहले ही आ गए थे, मैं इनसे घंटे बाद में आया था, तो बड़े आराम से रेस्ट किया भाई। रूम हमारा बहुत अच्छा है, काफ़ी मज़े आए। तो अभी थोड़ा सा मैं बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर की ब्यूटी होटल की और दिखाता हूँ। हल्की सी क्या है कि अब रात हो गई है, तो अच्छा व्यू भी आएगा। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर डिनर करेंगे, डिनर होटल में ही करेंगे। तो यहाँ बफे लगता है, तो बफे भी इनका दिखाऊंगा मैं, क्या प्राइस है, वो सब चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बाकी होटल हमारा बहुत ही अच्छा है, काफ़ी हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। गाइज, अभी सब लोग सो के उठे ही थे और इनका रेस्टोरेंट से कॉल आया कि आपका डिनर रेडी है। हालांकि हमारा डिनर इंक्लूड नहीं था, लेकिन ये काफ़ी अच्छी डील दे रहे हैं। तो आइए एक बार इनका बफे चेक करते हैं। सो गाइस, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली हम सब लोगों ने, गिफ्ट वगैरह लिए हैं, पैसे ज़्यादा लगा दिए, 5,000 रुपये शॉपिंग थोड़ी हुई है। बाकी इनकी शॉप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और सब बहुत अच्छी क्वालिटी के। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम सर, विजिट अगेन। या शॉप गाइज, सारे जो होटल में गेस्ट हैं वो सब सो रहे हैं और हमारी हरकतें आप देख सकते हो। सोने के टाइम में हम यहाँ पे स्नूकर खेलने आ गए हैं, बड़े आप टाइम पास करेंगे अपना। कि इधर काफ़ी चिल होगा, मतलब इस होटल में स्टे करके हमें काफ़ी
चिल कर रहे हैं, फुल इंजॉयमेंट है। मतलब बहुत, एक तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी, दूसरा बढ़िया, कहीं जाओ रात को कितनी होटल में कहीं घूमो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और खाना भी बहुत अच्छा था, खाने का रिव्यू नहीं दिया अपने भाई किसी लोग ने। खाना बहुत अच्छा, खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बफे लगा हुआ था इनका पर पर्सन 1500 रुपये, और वो 1500 रुपये आपके वर्थ है। बहुत अच्छा खाना था, हमारे तो पूरे हो गए। क्यों तनवीर? बहुत अच्छा खाना था, बिल्कुल सही बात है ना, एक नंबर। और ये पेट देख रही हो ना, इसमें आज के निकला हुआ, इसमें 1500 रुपये है। तो अब करते हैं गेम स्टार्ट। सब अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, और आज का दिन हमारा बहुत शानदार रहा, बहुत हमने एंजॉय किया, बढ़िया रही हमारी गंडोला राइड। और जो गंडोला राइड सुनाई नहीं दे रहा तुझे, तो गंडोला राइड हमारी बढ़िया रही। और उसके बाद जो फ्रोजन लेक के पास गए थे, मतलब जो जिस पीक पे गए थे, 14,500 फीट की कोई ऊंचाई बता रहे थे, पता नहीं वो उनकी बात सच्चा है या नहीं, बट हाँ वहाँ पे ठंड काफ़ी थी और स्नो भी बहुत एकदम प्योर वाइट थी। तो काफ़ी आज के दिन में हमने मज़े किए, तो फाइनली करेंगे रेस्ट और इस व्लॉग को अपने करेंगे यही एंड। उससे पहले मैं इन लोगों की हरकतें आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो। अच्छा, और एक इसको देख लो, देखना कैसे देख रहे हैं। ठीक है, बोल दे सबको वीडियो गुड नाइट। गुड नाइट तो बोल दी, साथ में ये भी बोल रहा है वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना है, पेज को फॉलो कर देना, और यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। नोटिफिकेशन ऑल पे